डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर जो था फंक्शन और लिमिट्स, उससे रिलेटेड एक जो है वो थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं या फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HSSC2 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स। शो दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन ओवर एक्स माइनस ए, यानी वेरिएबल है उसकी पावर एन है, माइनस कांस्टेंट नंबर है उसकी पावर भी एन है, डिवाइडेड बाय, तो वेरिएबल पावर के बगैर माइनस वेरिएबल जो कांस्टेंट है वो भी पावर के बगैर अगर नीचे डिवाइड हो रहा होगा तो वो किसके बराबर होगा, पावर एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, जो कांस्टेंट होगा वो लिखेंगे, जो भी यहाँ कांस्टेंट होगा वो लिखेंगे और उसमें से एक पावर माइनस कर देंगे। और ये केस है जब एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीजर सेट जो है वो ये 0 ±1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा, ये इंटीजर सेट है। और इसमें जो कांस्टेंट होगा वो ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव है, जो कांस्टेंट नंबर यूज होगा वो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। इसको आज हम प्रूव करने जा रहे हैं। उसके लिए थोड़ा सा मैं एक चीज़ें जो हैं जो यानी कुछ फार्मूलाज आपको एक्सप्लेन करूँगा जो यहाँ यूज होंगे उस पैटर्न के ऊपर, उसी पैटर्न के ऊपर हमें इसको ड्राइव करेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए, आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा था इसलिए मैं माइनस का फार्मूला लिया यहाँ पे। तो ये किसके इक्वल होता था, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये थे, यानी पावर 3 थी एक्स और वाई की, एक पावर इधर एक पावर इधर यूज होगी। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स पावर 3 देगा, एक्स स्क्वायर अगली टर्म प्लस की होगी, एक्स की पावर कम होती जाएगी, वाई की पावर 1 से स्टार्ट करते हुए इंक्रीज कर लेंगे, एक्स की पावर फर्स्ट टर्म में 2, वाई पावर 0 प्लस, अब x की पावर यहाँ 2 थी, इस स्टेप में नेक्स्ट में पावर 1 हो जाएगी, y की पावर 1 प्लस, x की पावर 0 हो गई यहाँ पे और y की इंक्रीज की y पावर 2, तो x पावर 0 1 होता है तो ये y स्क्वायर हो गया। इसी पैटर्न पर अगर मैं ये लिखूँ x पावर 4 माइनस y पावर 4, इसकी इक्वल होगा x माइनस y, ये इक्वल होगा, अब यहाँ पावर 4 है, यहाँ 1 यूज होगी तो यहाँ क्या रह जाएगी, 3 आ जाएगी प्लस, यहाँ y की पावर 0 है, नेक्स्ट स्टेप में x की पावर कम कर देंगे x स्क्वायर, y पावर 1 हो जाएगा, उससे नेक्स्ट स्टेप में इससे पावर कम हो जाएगी, x पावर 1 आ गया, y स्क्वायर आ गया, और उससे नेक्स्ट स्टेप में x पावर 0 हो जाएगी, x पावर 0 1 होता है वो लिखने की जरूरत नहीं, y इंक्रीज होकर y पावर 3 रह जाएगी। इसी तरह अगर मैं लिखूं x पावर 5 माइनस y पावर 5, यहां हो जाएगा x माइनस y इंटो, तो क्या बन जाएगा, यहां पर पावर 5 थी, यहां 1 यूज हो चुकी, x पावर 4, यहां y 0 प्लस, x की पावर 1 डिक्रीज कर दी, x पावर 3, y पावर 1 प्लस, x की पावर डिक्रीज हुई, इसमें 3 थी, इस स्टेप में 2 रह जाएगी, y पावर 2, y इंक्रीज कर गया, फिर x की पावर अगले स्टेप में डिक्रीज हो गया, x पावर 1, y यहाँ स्क्वायर था, इसमें 3 हो जाएगा, अगले स्टेप में x 0 वो 1 हो जाएगा और y की इंक्रीज कर दी 4। इसी पैटर्न पर x पावर 6 माइनस y पावर 6 का आप फार्मूला लिख सकते हैं। यही चीज यहाँ हम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ n क्या है, इंटीजर है, तो ये मैं एक्सप्रेशन लेता हूं, शो दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन ओवर एक्स माइनस ए,
इज इक्वल टू एन ए पावर एन माइनस वन, तो पहला केस हम लेंगे यानी एन बिलोंग्स टू इंटीजर, और कौन सा इंटीजर लेंगे, पहला केस केस वन, व्हेन एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एन इज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव इंटीजर है जी। तो ये जो फार्मूला था, ये जो मैंने आपको एक्सप्रेशंस बताई थी, इसी के मुताबिक यहां मैं एक्स पावर एन यूज करता हूं, एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन किसके बराबर होगा, एक्स माइनस ए एन, यहां आपने ख्याल करना है कि एन पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर, यानी जैसे यहां थ्री रखा था, यहां थ्री है, यहां फोर है, यहां फोर हो सकता है, फाइव है, यहां प्लस फाइव है, यहां सिक्स है, प्लस सिक्स है, जो भी हो, एन पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर है। तो एक्स माइनस ए उसी पैटर्न के मुताबिक, तो इसमें मैं क्या करूंगा, यहां पर एक्स पावर वन थी, यानी फर्ज किया यहां थ्री थी, यहां वन यूज कर रही, तो एक जहां जितनी पावर आएगी उसकी एक लेस कर लेते हैं, यहां पावर वन है, तो यहां एक्स की पावर क्या आ जाएगी, एन माइनस वन, यहां ए पावर जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसमें वाई आ रहा था, यहां ए आ रहा है, प्लस अब एक्स की पावर और लेस कर दी, एन माइनस वन में से ये निकाल दी, तो एन माइनस टू ए की पावर वन आ जाएगी, यहां पर ए इंक्रीज होता जाएगा, प्लस फिर एक्स की पावर, इस स्टेप में एन माइनस टू थी, एक और लेस कर दी, एन माइनस थ्री, और ए की पावर इस स्टेप में इंक्रीज करके टू हो जाएगी, यहां जीरो थी, यहां वन, यहां टू, नेक्स्ट स्टेप में एक्स की पावर इससे डिक्रीज हो जाएगी, एक डिक्रीज कर दी, एन माइनस फोर, और एक इंक्रीज कर देंगे, ए क्यूब अप टू सो ऑन, प्लस, और जैसे एंड में यहां पे क्या आती थी, एक्स पावर यहां जीरो हो जाएगी, और ए की पावर क्या रह जाएगी, यहां एन माइनस वन थी, यहां एक्स थ्री आ रहा था, तो वाई थ्री होता है, यहां एक्स माइनस ए है, तो यहां एक्स पावर जीरो हो जाएगा, और ए की पावर क्या रह जाएगी, एन माइनस वन, कम होते होते एक्स की पावर यहां जीरो हो जाएगी, और ए की पावर इंक्रीज करती जा रही थी, तो यहां थ्री था, तो यहां जितनी पावर एन की पहली टर्म में एक्स की होगी, ए की भी उतनी ही पावर आखिरी टर्म में आ जाएगी। जैसे यहां पर देख लें, एक्स फोर था, तो यहां वाई फोर आ गया, एन एक्स की पावर डिक्रीज करती जाएगी हर टर्म में, यहां एन माइनस वन थी, यहां ए जीरो हो गया, फिर इसमें माइनस वन कर देंगे, और डिक्रीज हो गई, एक्स पावर एन माइनस टू और ए पावर वन, इसमें एन माइनस टू थी, तो इसमें एक और लेस हो गई, एन माइनस थ्री, ए पावर इंक्रीज करती जाएगी, इस तरह यहां पर एक्स की पावर क्या आ जाएगी, जीरो, क्योंकि यहां पर जब हमने मैंने आपको समझाया था, तो यहां एक्स की पावर जीरो बनती है डिक्रीज करते करते, तो जो सेकंड टर्म होगी यहां वाई थी, उसकी पावर यहां थ्री रह गई थी, तो इसमें यहां पर एक्स की पावर वन थी, यहां एक्स पावर एन है, तो यहां पर एक्स पावर एन माइनस वन आ जाएगी उसी पैटर्न के ऊपर। अब दोनों तरफ x माइनस ए पे, या इस x माइनस ए को इधर डिवाइड कर देते हैं, ये हमने इन फार्मूला से लिखा है, तो ऊपर आप लिख देंगे वी नो दैट, एज वी नो दैट, तो इसके मुताबिक हमने इसको एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर लिया। अब यहां पर ये x माइनस ए को इधर डिवाइड कर दिया, एक्स माइनस एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन ओवर एक्स माइनस ए, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, इधर भी डिवाइड कर देते हैं, एक्स माइनस ए ओवर एक्स माइनस ए, या आप ये भी कर सकते हैं, इसको उठा के इधर ले आए और सिर्फ ये एक्सप्रेशन रह जाएगी, बहरहाल वो भी ठीक है। ये हमने कर दिया एक्स पावर एन माइनस वन प्लस एक्स पावर एन माइनस टू ए पावर वन प्लस एक्स पावर एन माइनस थ्री ए पावर टू प्लस एक्स पावर एन माइनस फोर ए पावर थ्री अप टू सो ऑन प्लस ए पावर एन माइनस वन।
ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब फार्मूला में लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, एक्स अप्रोचेस टू ए, क्योंकि जब हम डायरेक्ट फार्मूला में पुट करेंगे एक्स अप्रोचेस टू ए, ए पावर एन माइनस ए पावर एन जीरो हो जाएगा, ए माइनस ए, ये जीरो बाय जीरो फॉर्म बनती है, जीरो बाय जीरो फॉर्म है ये। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन ओवर एक्स माइनस ए, इधर भी लिमिट लगा ली, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स पावर एन माइनस वन प्लस एक्स पावर एन माइनस टू इंटू ए प्लस एक्स पावर एन माइनस थ्री ए स्क्वायर प्लस एक्स पावर एन माइनस फोर इंटू ए क्यूब अप टू सो ऑन ए पावर एन माइनस वन। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, ये एक्सप्रेशन एज इट इज आ गई, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू, लिमिट अप्लाई कर दीजिए इसके ऊपर, यहां जब एक्स की जगह इस टर्म पे लिमिट, इस पे लिमिट, हर पे लिमिट लगेगी, तो एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, ए पावर एन माइनस वन प्लस एक्स किसको अप्रोच कर रहा था, ए पावर एन माइनस टू इंटू ए प्लस यहां पर ए पावर एन माइनस थ्री ए स्क्वायर प्लस एक्स पावर, ये एक्स अप्रोचेस टू ए पावर एन माइनस फोर इंटू ए पावर थ्री अप टू सो ऑन प्लस ए पावर एन माइनस वन। अब नेक्स्ट स्टेप में ए पावर एन माइनस वन प्लस ये पावर वन है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर ऐड हो जाएगी एन माइनस टू प्लस वन, ये भी बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर ऐड हो जाएगी एन माइनस थ्री प्लस टू, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर ऐड हो जाएगी एन माइनस फोर प्लस थ्री अप टू सो ऑन प्लस ए पावर एन माइनस वन। ए पावर एन माइनस वन, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ए पावर एन माइनस वन प्लस ये आपस में सॉल्व हो गए, ए पावर एन माइनस वन प्लस ए पावर माइनस फोर में प्लस थ्री ऐड कर दिए तो एन माइनस वन अप टू सो ऑन ए पावर एन माइनस वन। इसका मतलब है हर टर्म जो है उसमें ए पावर एन माइनस वन ही बार बार आता जाएगा। अब यहां बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपने देखनी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन ओवर एक्स माइनस ए। अभी इस स्टेप को करने से पहले मैं यहां एक रफ वर्क करने लगा हूं, रफ वर्क है ये, रफ वर्क, इसको आपने समझना जरा। अगर मैं लिखूं थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री, ये कितनी बार ऐड हो रहा है, सिक्स टाइम्स, एक दो तीन चार पाँच छः बार जो है ये सिक्स टाइम्स जो है ये थ्री ऐड हो रहा है, तो हम इसको लिख देंगे सिक्स इंटू थ्री, इनको ऐड करेंगे यानी इन तीन सबको ऐड करें एटीन बनेगा, तो सिक्स थ्री का भी एटीन हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं ये करूँ थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री अप टू सो ऑन एन टाइम्स, ये एन टाइम ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब अगर छः बार ऐड हो रहा था सात सिक्स लिखा है, अगर ये एन बार ऐड हो रहा है, एन हंड्रेड है, थाउजेंड है, जो मर्जी हो, तो इसको मैं एन इंटू थ्री लिखूंगा या इसको थ्री एन लिख लूंगा। तो इसी तरह अब ये अगर हंड्रेड टाइम ऐड हो तो साथ हंड्रेड इंटू ए पावर एन माइनस आ जाएगा। अब हमें ये नहीं पता कि कितनी बार ऐड हो रहा है, तो एन टाइम ऐड हो रहा है, तो हम इसको लिख देंगे एन इंटू ए पावर एन माइनस वन। अगर ये हंड्रेड बार ऐड हो रहा होता तो हंड्रेड इंटू ए पावर एन माइनस वन। अब हमें एग्जैक्ट नहीं पता तो एन टाइम हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, ऐड हो रहा है, जो भी एन होगा, हंड्रेड होगा, फिफ्टी होगा, सिक्सटी होगा, जो मर्जी होगा, ये आ गया जी आपके पास, तो ये n टाइम्स ऑफ a पावर n माइनस वन हो जाएगा। तो ये आपका प्रूव हो गया, ये आपने रिजल्ट प्रूव करना था n इंटू ए पावर n माइनस वन। ये केस वन था जब n ग्रेटर देन जीरो है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है।
केस टू, व्हेन एन इज लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर है, तो लेट कर लेते हैं एन इज इक्वल टू माइनस एम, एन इज इक्वल टू माइनस एम कर लिया हमने जी इसको, ठीक है। और यहां पर आपने बताना है एम खुद जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, यानी एम पॉजिटिव है। अगर एम पॉजिटिव होगा तब ये माइनस का साइन मिलकर नेगेटिव बनाएगा, नेगेटिव इंटीजर है जी। एन इज इक्वल टू माइनस एम, एम खुद पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव इंटीजर है, यानी इसको मैं इस तरह लिख देता हूं, लेस देन जीरो का मतलब है एन इज अ नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर। अब ये यहां ड्राइव तो हो चुका है ठीक, तो यही साइड मैं ले लेता हूं, ये वाली साइड, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन ओवर एक्स माइनस ए, इसकी ये लेफ्ट साइड में ले लेता हूँ, तो देखें क्या बनेगा, इसमें पुट कर दिया एन की जगह माइनस एम, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए तो क्या बना एक्स पावर एन की जगह माइनस एम, माइनस ए पावर एन की जगह माइनस एम ओवर एक्स एज इट इज माइनस ए एज इट इज, एन चेंज कर दिया है वो माइनस एम बन गया, एम खुद जो है वो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसके साथ साइन नेगेटिव लेंगे तो ये नेगेटिव इंटीजर बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये एक्स पावर माइनस एम है, नीचे आके एक्स पावर एम हो जाएगा, माइनस इसको नीचे ले आए वन ओवर कर दिया ए पावर ए आ गया, और एक्स माइनस ए जो नीचे डिवाइड हो रहा था उसको मैंने लिख दिया वन ओवर एक्स माइनस ए, ऐसे लिख दिया, ये जो डिवाइड हो रहा था एक्स माइनस ए उसको वन ओवर कर दिया। अब देखते हैं यहां पर तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन ओवर एक्स माइनस ए किसके बराबर हो गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एलसीएम ले लेते हैं इसका, इसका तो एक्स पावर एम इंटू ए पावर एम एलसीएम ले लिया, तो एक्स पावर एम से कैंसिल, ये आंसर आएगा वन से मल्टीप्लाई होकर ए पावर एम आ गया जी, माइनस का साइन आ गया यहां माइनस। अब इसको ऊपर रखा न्यूमिरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या था, ए पावर ए एम से कैंसिल, तो एक्स पावर एम आंसर आएगा वो वन से मल्टीप्लाई होकर एक्स पावर एम आ जाएगा, और ये जो वन ओवर एक्स माइनस ए था उसको अलग लिख दिया, जो इधर डिवाइड हो रहा था उसको वन ओवर करके मैंने लिख दिया। अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, इसको अब मैं ऐसे लिखूंगा, माइनस कॉमन ले लिया बाहर हमने, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस जब कॉमन लेंगे ये प्लस का हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, तो एक्स पावर एम माइनस ए पावर एम ओवर एक्स पावर एम इंटू ए पावर एम इंटू वन ओवर एक्स माइनस ए, ये आ गया जी आपके पास। अब देखते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, मैं फिर अरेंजमेंट चेंज करूंगा थोड़ा सा, ये देखिएगा इसके नीचे मैं इसको लिखूंगा ताकि फार्मूला कंप्लीट हो जाए, एक्स पावर एम माइनस ए पावर एम ओवर एक्स माइनस ए, और इसको मैंने अलग कर दिया वन ओवर एक्स पावर एम इंटू ए पावर एम, इसको मैं इसके नीचे ले आया ताकि ये फार्मूला की शेप बन जाए ये वाली।
अगर यहाँ m होगा, यहाँ m होगा, तो यहाँ m a पावर m माइनस वन हो जाएगा। तो उस शेप को बनाने के लिए मैं इसके नीचे ले आया। अब मैं लिमिट्स लगाता हूँ, लिमिट बाहर इसी तरह, लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर m माइनस a पावर m ओवर x माइनस a, लिमिट x अप्रोचेस टू a वन ओवर x पावर m a पावर m, लिमिट अप्लाई कर दीजिए माइनस। तो ये जो लिमिट है इसके मुताबिक जब यहां पर n था तो n नीचे a पावर n माइनस वन, तो यहां m आ रहा है पावर में, तो क्या आ जाएगा m कांस्टेंट नीचे, ये पावर जो थी नीचे कांस्टेंट a था और इसमें से एक लेस कर दिया m माइनस वन। अब यहां पर ये इस पे लिमिट लगाएंगे वन ओवर x अप्रोचेस टू a, तो a की पावर m हो जाएगी और इंटू a पावर m, ये आगे x की जगह पे a लगा देंगे a पावर m, और ये a ही है a पावर m साथ आ जाएगी, माइनस m a पावर m माइनस वन। अब ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, माइनस m ये भी ऊपर जाके माइनस m बन जाएगा, ये डिवाइड हो रहा था इसके नीचे तो ऊपर जाके ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा, तो माइनस इंटू m a पावर, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, मैं जरा बड़ा सा करके लिख देता हूं यहां पे, ये m है ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये m इसके साथ कैंसिल, तो क्या रह गया माइनस m माइनस वन, तो माइनस m इंटू a पावर माइनस m, इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया और आगे माइनस वन। तो ये साथ साथ हम एक्सप्रेशन उतारेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n ओवर x माइनस a। तो अब आप माइनस m को किसके इक्वल लिया था, माइनस m को आपने n के इक्वल लिया था, तो आप ये जरा देखें इसकी जगह मैं n पुट कर देता हूं, माइनस m को क्या लिया था n के इक्वल लिया था और साथ माइनस आ गया। यहां सिंस करके बता देंगे माइनस m को किसके इक्वल लिया था, n के इक्वल लिया था, तो माइनस m की जगह n पुट कर दिया, माइनस m की जगह n पुट कर दिया n माइनस वन, तो लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n a पावर n ओवर x माइनस a। तो ये आपका जो है जब n नेगेटिव इंटीजर होगा, मैंने साथ यहां लिख दिया नेगेटिव इंटीजर, n इज अ नेगेटिव इंटीजर, तो तब भी ये फार्मूला ट्रू रहता है। पहला जो केस था वो n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा केस जो है वो n इज अ नेगेटिव इंटीजर जो केस टू लिया था, और यहां पर खास बात है कि m खुद पॉजिटिव नंबर होगा तब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव इंटीजर बन जाएगा। तो दोनों सूरतों में यही फार्मूला आ रहा है, तो ड्राइव हो गए दोनों केसेस के लिए। तो आज के लिए इतना ही लेक्चर था कि इसको हमने इसके इक्वल प्रूव करना था, ये इस तरीके से प्रूव हुआ है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, और क्या नाम है, मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो अपने राय का भी इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।